हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ताज ग्रीन टी में। आइए मैं आपको आज दिखाता हूँ कि आजकल एक कीड़े का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये चंपा का पेड़ है, इसे हम बाइट बग बोलते हैं। इस कीड़े का नाम बाइट बग है और ये देखिए किस तरह ये पत्तियों के पीछे लगता है और पत्तियों का ये रस चूसता है। मैंने कई जगह देखा कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। एक ये चंपा, एक आपका हिबिस्कस पर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसके उपचार के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है अवार्ड, और ये जो आप पाउडर देख रहे हैं, ये पाउडर मैंने बनाया है। इस पाउडर में मैंने 50% लिया है डिटर्जेंट सर्फ, जो घर में यूज होने वाला कोई भी आप डिटर्जेंट ले सकते हैं, और इसमें 50% है आपका बूरा, पूरा नहीं तो आप चीनी भी ले सकते हैं, चीनी भी यूज़ कर लीजिए। अच्छा, अब आपको इसमें करना क्या है, ये जो दवाई है अवार्ड, ये 1 लीटर में 2.5 ग्राम लेनी है। ये मेरी चम्मच का जो इसमें 2.5 ग्राम ही आती है, तो यहाँ 2.5 ग्राम ले लीजिए आप, और इसको 1 लीटर पानी के लिए लेना है। आप इसको एक चम्मच 1 लीटर के लिए ये लीजिए 2.5 ग्राम दवाई, और उसके बाद इसमें ये मैं आपको यहाँ रख के बता देता हूँ इसको आपको मिलाना कैसे है। ये आपका 2.5 ग्राम दवाई हो गई, उसके बाद 1 चम्मच इसमें से पाउडर का जो मिक्सचर है, 1 चम्मच ये पाउडर ले लीजिए। 1 लीटर में 1 चम्मच लेना है, और ध्यान रहे डिटर्जेंट की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये हमारे पेड़ को चला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, इस दवाई का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अवार्ड है, ये आप अवार्ड नहीं कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपको, अगर जिसका रिजल्ट अच्छा लगता हो। ये मैंने इसको यहाँ से ख़रीदा था, आप भी यहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा आप इसे यूज़ करो, आप कोई भी यूज़ ले लो जिसका अच्छा रिजल्ट निकलता हो। अच्छा, अब आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी ले आए मैंने, 1 लीटर पानी में ये जो इसमें मैंने 1 चम्मच 2.5 ग्राम दवाई मिलाई थी और 1 चम्मच पाउडर मिलाया था, मैं इसको मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद आप इसको पूरा इसमें डाल दीजिए, और अब इसको अच्छे से मिलाता हूँ। मिलाने के बाद आप इसको स्प्रेयर में भरिए और आराम से स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ ये मैंने डिटर्जेंट और बूरा क्यों मिलाया। इससे क्या होता है, दवाई की जो चिपकने की क्षमता जो होती है पत्ती पे, वो बढ़ जाएगी। इससे दवाई हमारी पत्ती पे अच्छे तरीके से चिपकेगी तो ज़्यादा टाइम तक असर करेगी, वरना दवाई हम छिड़कते हैं दवाई नीचे गिर जाती है, असर कम हो पाता है, इसलिए हमने इसे मिलाया है इसमें। ये देखिए, दवाई मैंने स्प्रे में भर ली है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रे कैसे करना है। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो पहले ग्लव्स पहन लीजिए, अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। पत्तियों के ऐसा ऐसे हमें नीचे डालना चाहिए, जिससे क्या ये कीड़ा नीचे लगता है तो कीड़े पे ज़्यादा असर करे, ऊपर से हम डालते हैं तो नीचे नहीं जा पाती है दवाई, इसलिए नीचे पत्तियाँ उठा के इस तरह से, और पेड़ को पूरा नहला दीजिए, जितनी ज़्यादा दवाई होगी उतना असर करेगा। और ये आपको 7-7 दिन के अंतर पर 1 महीने में 4 बार डाल दीजिए, क्योंकि एक बार में ये ख़त्म नहीं होता है कीड़ा, कम से कम 3-4 स्प्रे होने चाहिए 1 महीने के अंदर। इस तरीके से देखिए, ये देखिए पूरा आप नीचे तक तने पर और पत्तियों पर ऊपर नीचे अच्छे से डाल दीजिए। और दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियो और देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।